आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपनी गैलरी में किसी भी फोटो को हाइड कैसे कर सकते हैं, इन फोटोज़ को हम इस तरह से कैसे छुपा सकते हैं जिससे किसी को भी ढूंढने पर वो वाली फ़ोटो हमारी किसी को भी ना मिले। ये बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में आ जाना है और गैलरी में आने के बाद आपको उस फोटो पर आना है जिस फोटो को आपने हाइड करना है। आप एक साथ 2, 3, 4, 10, 20, 50 फोटोज़ को भी हाइड कर सकते हैं। आपको जिस भी फोटो को हाइड करना है उस पर सिंपल सा आपको लॉन्ग प्रेस किए रहना है। इसके बाद नीचे आपको ऐड टू एल्बम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्राइवेट एल्बम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपसे ये एक पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डालना है जिस पासवर्ड को आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दूँगा। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी दोनों फ़ोटोज़ आपकी गैलरी से गायब हो चुकी हैं। अगर आपको इन फ़ोटोज़ को देखना है तो आपको बैक आना है। हम यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे पकड़कर स्वाइप करेंगे। आप देख रहे हैं रिलीज टू ओपन प्राइवेट फोल्डर का एक ऑप्शन आ रहा है। अब इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे हमारा ये पासवर्ड मांगेगा और उस पासवर्ड को डालने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमें वो हमारी फ़ोटोज़ दिखने लगेंगी जिन फ़ोटोज़ को हमने हाइड किया है। यहाँ पर ना आप किसी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना किसी फ़ोटो को कहीं पर शेयर कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपने इस फोल्डर को डिलीट भी कर दिया तो जब भी आप इसका नया पासवर्ड बनाएंगे आपको ये फोल्डर उस नए पासवर्ड के साथ आपकी पुरानी फ़ोटोज़ के साथ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी अपनी फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हैं। ऐसे स्वाइप करके नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आप उस फोल्डर में जा सकते हैं और पासवर्ड डालने के बाद आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।